बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम ख़वातीनो हज़रात। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ हमारे सेट पे इस वक्त लिविंग लेजेंड्स हैं, हमारे अपकमिंग सुपरस्टार्स हैं, सोशल मीडिया सेंसेशंस हैं, और बेसिकली वो सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने में और पुश करने में अपना हाथ डाल रहे हैं और अपना एक एफर्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो बस रिलीज होने को है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तेरे बाजरे दी राखी, डायरेक्टेड बाय द ग्रेट, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द सुपरस्टार इन हिज ओन राइट, सैयद नूर साहब, किंग मेकर एंड क्वीन मेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। फिर एक और धमाका, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो आपकी कभी भी नहीं होती, आपकी हल्की सी भी कोशिश दूसरों के फुल एफर्ट से ज़्यादा होती है। जी, जी, लेकिन इस पर हमने अभी बात करनी है। ऑफ कोर्स एक और ऐसी लेजेंड पर्सनालिटी, लिविंग लेजेंड, जिन्होंने बहुत ही यंग एज पे अपने आप को लिविंग लेजेंड का टाइटल दिलवा दिया। हमारी इंडस्ट्री तो सितारों से भरी हुई है, लेकिन अगर सन एंड द मून की बात करें तो फिर सर का ही नाम आता है, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब द ग्रेट हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम स्टिल यंग, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट्स व्हाई आई सेड, एक बहुत ही यंग एज पे अपने आप को लिविंग लेजेंड का टाइटल दे दिया। मैंने अपने आप को पहले ही सर कवर कर लिया था। थैंक यू। और आपके साथ ये जो हैंडसम यंग मैन है, ये फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रहे ये एक्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन ये इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद सफदर मलिक साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, और बहुत सी चीज़ें आपके टाइटल और आपके नाम पे जाती हैं, बट द सीनियर मेंबर ऑफ द फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन होते हुए आपने ये जो अपना हिस्सा डाला है इंडस्ट्री के अंदर, ब्लेस यू सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। थैंक यू। देन आई वॉन्ट टू नाउ टॉक अबाउट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट यंग लेडी जिन्होंने इंडस्ट्री में लिटरली अपनी जगह खुद बनाई है। कुछ भी इनको सिल्वर प्लेटर पे नहीं हैंड ओवर किया गया। मेरे से उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन इन और आप जनाब, आपको पता है मुझे वैसे ही कहने की आदत है, मैं तो बच्चों को भी कहती हूँ। हैंस एक, आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट कॉल हर अ सोशल मीडिया सेंसेशन, हर कोई सोशल मीडिया सेंसेशन कहता है, आई वुड से अ मीडिया सेंसेशन, लिटरली अपनी जगह आप बनाने वाली, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जन्नत मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस फिल्म की हमने बड़ा अरसे पहले बात की थी वो वही आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। कोविड ने जो हम सबके साथ किया ना, अल्लाह में कोविड को जरूर पूछेगा। लेकिन लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, प्रोबब्ली द लीस्ट इन द कंपनी ऑफ दीस पीपल। नो, वो देखो, ग्रेटनेस हर बंदे की अपनी होती है और रब ताला इज्जत देने वाले हैं, बट आपकी भी ये पाकिस्तान में डेब्यू फिल्म है, इंटरनेशनली तो माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है, एंड यू गॉटन रिस्पेक्ट एंड फेम फॉर दैट इज वेल। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। हमारे फिल्म के हीरो हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैंने कहा जरा मैं भी थोड़ी ओवर हो जाऊँ ना, वैसे ही नूर साहब के सामने ओवर होने लगती हूँ, फिर अपने आप को काबू करना पड़ता है कि एक झांपड़ वहाँ से पढ़ना है, मुस्कुराहट वाला। इनकी डर्टी लुक पड़ी अभी तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, इनकी डर्टी लुक ये वाली घूरी नहीं होती, वो स्माइल वाली होती। नहीं, मुझे तो वैसे कम ही। नहीं नहीं, कभी नहीं, अभी तक नहीं। नहीं, ये जब हमारे पास आई हमारी फिल्म में तो ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत मैच्योर थी एक्टिंग में, तो कहीं भी हमें डिफ़िकल्टी नहीं हुई, कहीं भी ये ऐसा नहीं हुआ। दोनों की तरफ से दोनों बहुत अच्छे, पिक करने वाले, आपके इशारा समझने वाले, स्क्रिप्ट की लाइन को समझना और डिलीवर करना, दोनों को आता था। अच्छा, पहले अंडा आया या मुर्गी, ये हमारा सवाल है। सर, पहले आप सिचुएशन का हिस्सा बने या आप, ये पहला सवाल है मेरा। देखिए, सिचुएशन फॉरवर्ड स्टोरी, आपको अप्रोच किया गया, आपने इनको किया। देखिए ना, प्रोड्यूसर यूजुअली कभी अक्सर ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ढूंढने निकलता है, पर आपको तो ढूंढने की जरूरत नहीं। मेरे हमारा बड़ा लंबा साथ है सफदर मलिक साहब का और मेरा, हमने कोई 10-12 फिल्में मिलके बनाई हैं। कितनी टोटल की हैं अभी तक? जिसने पैसे खर्च किए होते हैं उसको पता होता है सर, कितनी हुई होंगी? इतनी है, 10 या 12। इतनी होंगी डेफिनेटली। नहीं तो इस फिल्म में फिर से रिकोलैबोरेट कैसे किया?
ऑब्वियसली टाइम देख रहे थे कि कहाँ बनाए अक्सर डिस्कशंस होती थी तो फिर एक जगह आके हम मुत्तफिक हो गए कि अभी हम प्रोडक्शन करनी चाहिए हमें तो पंजाबी करनी चाहिए। क्यों पंजाबी करनी चाहिए? इसलिए पंजाबी करनी चाहिए कि पंजाबी फिल्म बनी नहीं रही, कोई बना ही नहीं रहा। तो बहुत तो उर्दू फिल्में भी नहीं बन रही, कुछ अजीब ही ज़बान की बन रही है। कराची से भी बन रही है, यहाँ भी बनी, तो पंजाबी फिल्म कोई नहीं बना रहा था। तो इन्होंने ये कहा कि देखें पंजाब जो है इसको काम करना चाहिए और ये तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से फिल्म जो है हमेशा के लिए बनाई गई है और यहीं से परखा गया उसको कि क्या बिजनेस है नहीं है। पंजाब भी रहा है, प्री पार्टीशन भी रहा है और पार्टीशन के बाद भी ये हब रहा है पंजाब। तो यूँ हमने ये फिल्म स्टार्ट की कि पंजाबी फिल्म को प्रमोट करना चाहिए। उससे पहले मौला जट वो बन रही थी, उस साथ हमने शुरू कर दी। तो इसके बाद देखा देखिए और फिल्में शुरू हुई हैं और जो होनी भी चाहिए। ठीक है, तो इस फिल्म की स्टोरी की अगर हम बात करें, मतलब स्टोरी लाइन जो है वो सर आपने ही ऑफ कोर्स डेवलप की होगी एंड पूरा का पूरा द होल कॉन्सेप्ट इज योर्स। ठीक है, तो सर आप जब प्रोजेक्ट, जब आप लोगों ने डन कर दिया प्रोजेक्ट, बीच में ये सारा कोविड का सारा कुछ शुरू हो गया, तो एज अ प्रोड्यूसर आपकी क्या रिएक्शन थी जब हमने बैठ के इन्होंने मुझे लाइन सुनाई ना? वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा ये एक नई लाइन है और पंजाबी फिल्म इसमें बेहतर बनेगी, जिसमें टाइटल रोल सायमान नूर का है। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राखी का कैरेक्टर, हाँ मेन कैरेक्टर वही है बिल्कुल। और आप देखेंगे कि भाई माशाल्लाह उनको अप्रिशिएट किया सब ने बिल्कुल। आप हमें दिखा नहीं रहे ना क्लिप्स वगैरह, ऑब्वियसली आप लोगों ने व्यूअर्स अभी तक प्रोमोस भी देखे हैं और कुछ सॉन्ग की क्लिप्स भी आपने देखी हैं, बिहाइंड द सीन्स भी आप लोगों ने देखा नहीं होगा। मैं आपको भिजवा दूंगा कुछ क्लिप्स, आप दिखा दीजिएगा आप हमको। वो तो हम आवाम को या दिखा देंगे, बट आपको पता है आप तो बिल्कुल फिल्म लॉन्च होने को है तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने देखे ऑनलाइन, जन्नत ने भी चीज़ें लगाई होंगी, आपने भी अपने सोशल मीडिया पे लगाई होंगी और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें वायरल अब तक तो हो ही चुकी हैं, इसे व्यूअर्स को आइडिया तो हो गया। इतनी बड़ी ऑल स्टार कास्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इट्स अमेजिंग। आई मीन जन्नत मिर्जा हैं, अब्दुल्ला खान है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये ज़बानी याद नहीं होंगे सारे नाम, बाबर अली हैं, सायमा नूर हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ऑफ कोर्स द ग्रेट सर लव यू, सायमा सलीम साहिबा हैं, देन वी हैव आमिर कुरैशी, वी हैव शफकत चीमा, वी हैव राशिद महमूद, वी हैव अच्छी खान, वी हैव इफ्तिखार ठाकुर, वी हैव आगा माजिद, वी हैव सलीम अलबेला, वी हैव नन्ना शामी, वी हैव इरफान खुसट साहब, वी हैव खुशबू एंड मैनी मैनी मोर। आमिर कुरैशी, मैनी मैनी मोर हो गया। जुगन, आप जानते हो आमिर कुरैशी कौन है? इनके बेटे। हाँ, ये फर्स्ट टाइम, दिस इज फर्स्ट टाइम कि बाप और बेटा आमने सामने हैं और इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है फिल्म के अंदर सोच का वो बड़ा खूबसूरत है। और दोनों जो कहते हैं ना कि जो एक्टिंग होती है वो सेल्फ निगेशन होती है, ज़ात की नफी होती है, दोनों ने अपनी अपनी ज़ात को माइनस किया। वो बेटे से बाहर निकले, ये बाप से बाहर निकले, लेकिन रोल फिर बाप और बेटे का था, लेकिन वो बाप और बेटा मेरी कहानी के थे, रियलिटी के नहीं थे। वो जो टकराव था इज अमेजिंग। सर, जब आपको फिल्म के लिए अप्रोच किया गया तो आपकी, आपको स्टोरी लाइन और सारा कुछ, क्योंकि सर आप तो बहुत देख पाल के परख के डिसाइड करते हैं कि मैंने करना है कि नहीं करना, आप बहुत सिलेक्टिव हैं काम के बारे में। नहीं, नूर साहब के साथ और मनोज साहब के साथ पहली बार तो काम मैंने नहीं किया, बिल्कुल इससे पहले भी किया है, बड़ी दफ़ा किया, और मुझे इन पर मुकम्मल एतमाद होता है कि ज़ाहिर है कहानी और फिर उसमें जो मेरा कैरेक्टर होगा वो ऐसा वैसा नहीं होगा, तो बगैर कहानी सुने मैं हाँ कर देता हूँ। और नंबर दो, ये जो नूर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि पहली बार फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में मेरा ख्याल है पहली बार सुचल बाप बेटे को ये लोग आमने सामने लाए हैं, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सदर मलिक साहब और सैयद नूर साहब आमने सामने लाए हैं और परफॉर्मेंसेस का टकराव है। अब हम आवाम पर छोड़ते हैं कि वो फैसला करेंगे कि कौन बेहतर है, बाप या बेटा। ये तो हो ही नहीं सकता सर, वो तो ये तो वही वाली बात है, फिल्म देखे बगैर ही सबने कहना है बाप, क्योंकि बाप लिविंग लेजेंड है। नहीं, नॉट नेसेसरी।
बेटे के साथ बाप का एक बड़ा मुख्तलिफ सा ताल्लुक होता है और स्क्रीन बाप अपनी जगह पर के वो बाप है, लेकिन परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि बेटा कमजोर हो या बाप उस पर सबकत ले जाए, ऐसा भी नहीं है। अच्छा ये हम ब्रेक के बाद सेट है तो अभी हमने अपनी ऑडियंस को भी तो ग्रिप करके रखना है ना। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जानेंगे कि कुरैशी साहब का अपने बेटे के साथ काम करने का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उतना ही आसान था जितना जनरली इनके लिए परफॉर्म करना होता है या फिर बेटे के साथ कुछ ऑकवर्डनेस या वेर्ड, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ओके, हमने एक सवाल पे ब्रेक की तरफ गए सर, आपसे अब इस सवाल का हम जवाब चाहेंगे, क्या एक्चुअल असल बेटे के साथ काम करना मुश्किल था आसान था? होता है ना कि अपने बच्चों के साथ आपका अलहदा एक ताल्लुक होता है, एक्टिंग भी करते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो महसूस हुआ होगा या नहीं? नहीं, जब हम इन्वॉल्व होते हैं ना कहानी में और शॉट रेडी होता है बाप बेटा अगर आमने सामने भी हैं तो चाहे सुचल बाप बेटे हैं लेकिन कहानी के मुताबिक और सिचुएशन के मुताबिक हम फिर ये नहीं देखते, मैंने नहीं देखा कि अब मेरा ये सामने बेटा है तो मैं कोई उसको गुस्से का अगर मेरा जेस्चर है तो चूंकि मेरा बेटा है मैं नरमी से बोलूँ, नो। इंसाफ और दयानतदारी परफॉर्मेंस की यही है कि जो राइटर ने लिखा है मेरे कैरेक्टर को मैं वही, और इसी तरह आमिर ने भी ऐसे ही किया है। अमेजिंग, इसी का तो मज़ा आएगा और सीन इसी तरह अच्छा लगेगा लगा है। और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, जिन लोगों को हमने फिल्म दिखाई है ना उन्होंने कहा आमिर ने बहुत अच्छा काम। क्या बात है, आपने अब रिस्पॉन्स देना था, अब मैं आपका रिस्पॉन्स लूँगी। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा जो होता है वो ना भी चाहे तो बाप ये चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़ जाए, ये बाप के रिश्ते की एक अजमत है। बेशक, इसलिए कि एक तो बाप का एक्सपीरियंस उसके पास होता है सामने उसके, उसके बाद उसने अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करना होता है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे सीनों में उसने कुरैशी साहब से अच्छा काम किया है इस लिहाज से कि कुरैशी साहब एक सीजन्ड एक्टर हैं, 500 फिल्में कर चुके हैं, वो 4-5 उसने फिल्में की हैं तो उस आमिर का इनके सामने बोलना, इनके सामने परफॉर्मेंस करना, यही एक क्रेडिबिलिटी है बहुत बड़ी उसकी। वैसे आमिर की भी ये पहली फिल्म होनी चाहिए थी, फिर बड़ा मजा आता है। जीवन साहब, आई मीन कि अगर आमिर की भी ये पहली फिल्म होती ना, अगर आमिर का भी डेब्यू होता, बट खैर आमिर ने पहले भी की है लेकिन वही तो कह रही हूं। लेकिन ये आमने सामने बाप बेटे को लाना, इसका सेहरा इन पर ही जाता है, वो ये क्रेडिट है। आखिरी सीन जो है जिसमें बाप और बेटे टकराते हैं और वो गन जो है वो बाप छीन रहा है उससे और उसको उस वहाँ एक डायलॉग इनका बहुत अच्छा है, वो कहते हैं कि बहुती दौलत होंदा एहो एक नुकसान है कि पुत्र प्यू ते बंदूक तान लेंदा, तो वो इतना खूबसूरत इन्होंने कहा और उसने इतना अच्छा आगे से रिस्पॉन्ड किया कि मैं नहीं समझता था कि ये इतना अच्छा होगा। ओके, मिस्टर एंड मिस हीरोइन, मिस्टर एंड मिसेस कहने लगे तो मिस्टर एंड मिस है तो एक नया स्कैंडल, एक नई वायरल वीडियो निकल आएगी, प्लीज फजूल चीजों को वायरल मत किया करें, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके चनत, जब आपको अप्रोच किया गया, देखो यू आर ऑलरेडी अ स्टार इन द मेकिंग, यू हैड मेजर फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया, ऑलरेडी आपको ड्रामे श्रामे लोग अप्रोच कर ही रहे थे, इसको अपना डेब्यू क्यों बनाया? नूर अंकल की वजह से। मैं तो जब मुझे कॉल आई तो मैं आई वॉज इन शॉक कि नूर अंकल ने कॉल की है, देन उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे फिल्म करनी है। आप देखें कि टिकटॉक जो है वो तो एक छोटी सी स्क्रीन है ना सेल फोन की, तो उससे एकदम से इतनी बड़ी स्क्रीन पे आना और वो भी नूर अंकल के थ्रू, तो वो तो आई वॉज इन शॉक एंड आई वॉज सो हैप्पी
कि मुझे ये ऑफर दे रहे हैं, मैंने फौरन से ओके किया कि ओके मैं आ रही हूँ, आप बताएं स्क्रिप्ट वगैरह। बिल्कुल नहीं नूर अंकल नहीं मैंने, इसने कह दिया जी मेरे डैडी जब तक मुझे परमिशन नहीं, थोड़ा सा इशू आया था बट परमिशन नहीं देंगे। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन मैंने कहा तो मुझे कहने दो, इसमें आपकी रिस्पेक्ट होगी कि मैंने इनके वालिद साहब से मैं और मलिक साहब जाके हम मिले और वो भी नहीं चाहते थे कि ये फिल्म में काम करें। हमसे मुलाकात हुई, मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की तो उन्होंने, मैंने कहा देखें मैं आप मेरी फिल्में आपने देखी होंगी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता तो आप कम अज़ कम मुझे परमिशन दें। कहते हैं जिस तरह जन्नत मेरी बेटी है इसी तरह आपकी बेटी है, अगर आप इस तरह इससे काम लेंगे तो फिर मैं परमिशन दूंगा। तो यूँ परमिशन होगी, उसमें इसकी भी क्रेडिबिलिटी है जन्नत की। मनाया होने की मुझे करना है तो बस नूर अंकल आए तो फिर नहीं, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सैयद नूर और सर आप दोनों उठ के गए और बता खुद और जाके रिक्वेस्ट की, वरना तो लोग आके लाइनों में बाहर खड़े होते हैं खुदा का वास्ता सर हमारे से दो मिनट बात कर लें। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग डील, यू आर अ स्टार इन योर ओन राइट, बट जो रिस्पेक्ट दी गई। इनके बारे में एक जुमला मुझे कहने की इजाज़त दें जी, कि पहली फिल्म है ना, दोनों नए हैं जी लेकिन नए नहीं लगे हैं। अच्छा, जो इन्होंने परफॉर्मेंस की है लगता है कई फिल्में ये पहले कर चुके हैं और वो जाहिर है काम लेने वाले तो ये नूर साहब। क्या पता घर पे फिल्में कितनी चलाते होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने घर वालों के। बड़ी स्क्रीन की अहमियत कुछ और है। बिल्कुल सर, और बड़ी स्क्रीन हर कोई संभाल भी नहीं सकता सर। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है जी, बहुत मुश्किल। मिस्टर आपकी बारी आ गई, बताइए कि किस तरह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, क्या हुआ, एंड अगेन व्हाट घर पे क्या रिस्पांस था? आई वाज बेसिकली स्टडिंग इन कनाडा, फाइनेंस पढ़ रहा था पर शौक बहुत था तो मैंने घर बताए बगैर, पापा मेरे पसंद नहीं करते ज़्यादा, वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह पे, अटर्नी थे वो यहाँ के, तो वो कहते थे कि तुमने नहीं करनी फिल्म मेकिंग, तो मैंने वहाँ पर खुद ही पार्ट टाइम जॉब शुरू करके थोड़े पैसे कमा के फिल्म स्कूल में पैसे डाल के दाखिला ले लिया। फिर जब कॉल आई शाहजी की, एक्चुअली इन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस पे हमारी बात होती थी, कॉल भी बाद में हुई थी। जब मुझे पता चला कि सैयद नूर की फिल्म है और आई रिसर्च्ड अपॉन इट, जब मैंने इनका विकिपीडिया पेज खोला ना मैंने उसमें जब अवार्ड गिनना शुरू किया ना, मैं कहा ये करनी है फिल्म मुझे दरख्त का भी रोल मिल जाए तो मैं दरख्त बन जाऊंगा, लेकिन ये वाली करनी है। नहीं तो ये एक्चुअली लोग कहते हैं कि नूर साहब ना हमें कोई लेला या बकरा भी बना दे, मिलने हम साइड पे खड़े होके बन जाएंगे और नूर साहब यस कर दें। नूर साहब इन दोनों को कैसे सेलेक्ट किया, क्या क्यों, व्हाई जन्नत एंड व्हाई बोथ ऑफ देम? देखिए डायरेक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है नए स्टार्स के साथ काम करें। वो बेचारा कनाडा में आराम से, अब्दुल्ला खान बैठा उसको फ़ोन करके बुला लिया कि आ जाओ वापस। मैं वही बताने लगा हूँ, अगर आपने ख़ुद को नया करना है, डायरेक्टर ने या राइटर ने नया करना है तो नए स्टार्स को लें, वो आपको किरदार नए लगेंगे। तो मैं ये चाहता था जहाँ इतने सीजन डायरेक्टर काम कर रहे हैं जो मेन लीड में हैं वो नए हो जाएँ, तो ढूँढ रहे थे। तो जन्नत का जिक्र मेरे बेटे ने मुझसे किया कि ये एक लड़की है, बहुत इसके फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के, आप देखें। मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ा कॉन्फिडेंस लगा बहुत, यही एक डायरेक्टर को चाहिए होता है कॉन्फिडेंस। अप्रोच किया, अगली कहानी आपको पता है। इसी तरह मेरे लाइन प्रोड्यूसर हैं अज़र, उन्होंने मुझे कहा जी ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ एक नए लड़के की, आप देखें। मैंने तस्वीरें देखी, अब ये जजमेंट होती है डायरेक्टर की कि वो समझ लेके ये सही एक्टर है। सर सॉरी एक सेकंड, आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे क्यों थी? सोशल मीडिया पे नहीं, वो अज़र भाई के पास। अज़र बिकॉज़ उनके साथ मैं एक आधा काम कर चुका, प्रोजेक्ट कुछ कर चुके थे। अच्छा ठीक है, मैं वही समझना चाह रही हूं ना कि ये कनेक्शन बनी कितना। जी हां जी, तो मुझे देखते ही मैंने कहा यार मुझे बात कराओ। तो पहले तो ये इसको यकीन ही नहीं आया कि जी ये फिल्म की ऑफर आ रही है और ये मैं कर, आप कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं, नहीं मैंने कहा नहीं मजाक नहीं कर रहे, जो लीडिंग रोल है आपका। सैयद नूर फोन कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। I couldn't, मुझे पता नहीं था कि शाहजी ही हैं कि शाहजी मजाक कर रहे हैं, शाहजी मजाक करते हैं, लेकिन कौन मैसेजेस करी था तस्वीर पकड़ के शाहजी। अच्छा ऑनेस्टली वी हैडंट मेट बिफोर, जब मैं कनाडा से वापस आ गया, डन हो गई बात, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तब पहली दफा हमारी आमने सामने एक्चुअल मुलाकात हुई। शाहजी ने कहा है
बस वही क्या ये बना था? हमने तो किसी और को डान किया था। अच्छा ये नहीं जानते थे कि पता नहीं ये कौन शादी पिंडुरुल्लाह शाह है कौन? ये तो बात हो रही है सर कि चेक किया लड़का वो आजकल आपको पता है इतनी ज्यादा ऐप ऊप आ गई है पूरा मुंह फिंगा चिब्बा हो जाता है। लेकिन इनकी दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी फिल्म के बीच में कि मुझे कतन कहीं भी तकलीफ नहीं हुई या परेशानी नहीं हुई। दोनों की लड़ाइयां हुई हैं डैनी पॉइंट सेट पे झूठ ना बोलो। सिर्फ लड़ाइयां ही हुई हैं। अच्छा हाँ। अच्छा उन लड़ाइयों में हुआ क्या और प्रोड्यूसर साहब ने उनको कैसे संभाला? हमें तो खबर नहीं उन लड़ाइयों की। सोशल मीडिया पे धूम मची हुई थी आपने नोट नहीं किया? अच्छा ब्रेक के बाद वापस आएंगे अभी आप ढूंढने वो वाली वीडियोस ब्रेक में। जी हाँ व्यूअर्स वेलकम बैक। तेरे बाजरे दी राखी, अब राखी के कैरेक्टर पे हमने बात करनी है लेकिन पहले जो इनकी लड़ाइयाँ होती थी उस पर भी हमने बात करनी है लेकिन उन लड़ाइयों से भी पहले इतने बड़े बजट की फिल्म सर आप कहें नहीं था इसका बड़ा बजट तो मैं नहीं मानूंगी क्योंकि कास्ट इतनी बड़ी है। सो बात ये कि इतनी बड़ी कास्ट चीज़ों को मैनेज करना फिर ये जो कोविड में भी सारा कुछ हुआ बाय द वे व्यूअर्स कोविड में जो फिल्में रुकी उनके रुकने से भी एक बहुत मेजर फाइनेंशियल लॉस हुआ क्योंकि फंस गई ना चीजें जहां पे थी पिछले दो साल। तो सर ये इतना बड़ा आपने टास्क तो ले लिया इतनी ह्यूज कास्ट का कुछ बताएंगे? सर जो मेरे डायरेक्टर साहब की डिमांड थी वो मैंने पूरी की है। इन्होंने कहा मुझे ये चाहिए, मैंने कहा ठीक है जी। हमने पक्की हवेली बनाई पूरी फिल्म के लिए, कभी हम मैक्सिमम वहाँ पर हमने सारा काम किया शेरगढ़ में और इन दोनों ने बकायदा बनाई। ये तो टाइटैनिक बन गया, पूरी कंस्ट्रक्ट की थी टाइटैनिक को। पूरा सेट है जी, वो पूरी फिल्म की जान है। अब वो सेट अवेलेबल है, हम लोग उसमें शूट कर सकते हैं कुछ और? पक्का वाली है, पक्की वाली कर सकते हैं अभी। वो मेरे फार्म हाउस पे है, उसको थोड़ा बिल्ड किया था, वो मौजूद था, स्ट्रक्चर मौजूद था उसका सिंगल स्टोरी, उसको फिर डबल स्टोरी करके फिल्म के मुताबिक उसमें ऑल्ट्रेशन करके और उसमें ऑलमोस्ट हमारी फिल्म का 50% 70% 80% काम हुआ। जी हाँ, असल में आजकल जो फिल्में बन रही है ना जिन घरों में बनती है जितने जितने मकान होते हैं उस स्क्रीन के ऊपर लगता है कि इतना बड़ा स्क्रीन पे आपने ड्रामा लगा दिया। आई एम वेरी सॉरी, बहुत माजरत के साथ। देखें आप लोगों को पता है व्यूअर्स के कोई भी फिल्म रिलीज हो रही हो चाहे वो बड़े स्केल की हो छोटी की हो हम जरूर उसको प्रमोट करते हैं। और नूर साहब ये बात आपने मुझे कही थी बहुत अरसा पहले जब मैं नेशनल टेलीविजन पे होस्टिंग करती थी तो आपने मुझे कहा था कि जुगन फिल्में ज़रूर प्रमोट करनी है चाहे कोई भी बना रहा हो उनको प्रमोट ज़रूर करना है क्योंकि हमारे यहाँ ना दोस्तों दोस्तों को प्रमोट किया जाता है आपस में तो हम बहुत ज़्यादा मूवीज़ को प्रमोट करते हैं लेकिन एंड ए प्लस एज अ चैनल बहुत प्रमोट करता है लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जो फिल्म बना रहे हैं वो कम अज़ कम स्केल तो फिल्म वाला रखें ना। सर आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ, आपने कोई ना कोई ऐसी तो फिल्में आपकी नज़र से गुजरी होंगी जो लगता है कि जैसे ड्रामा शूट हुआ हुआ है। जी जी, और यू नो आर्टिस्ट को भी फिर मजा नहीं आता काम करने का, फिल्म का एक ग्लैमर है। फिल्म लार्जर देन लाइफ है एक्चुअली, जो आप नहीं सोच सकते वो फिल्म है। आप अगले सीन में क्या होगा आप नहीं सोच सकते, डैट इज़ फिल्म। और जो आप सोच सकते हैं डैट इज़ ड्रामा, वो टीवी ड्रामा है। क्या प्यारी बात की आपने, सास की सब इनकी कहानियाँ हैं वो सब आप सोच सकते हैं। हमारी फिल्म जो है मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो आम आदमी नहीं सोच सकेगा कि यूं भी होगा। बिकॉज यू कैन टेक क्रिएटिव लिबर्टी इन फिल्म ना, उस लेवल की क्रिएटिव लिबर्टी जो आप और कहीं नहीं ले सकते। लेकिन अभी हम फिल्म की, बाय द वे व्यूअर्स अभी तक स्टोरी लाइन पे नहीं आए क्योंकि बातें हैं इतनी करने वाली, लेकिन लड़ाई किस बात पे होती थी भाई तुम दोनों की? एक तो दो बच्चे भी बिठा दिए ना हमने सेट पे, पहले इनके इनके मसले तो हल करें। अभी अभी मैं डॉक्टर जुगन बन गई हूँ, बताओ क्या मसला है? इनके बाल नहीं बनते थे कभी भी। अब्दुल्ला कहाँ हो तो तुम्हारे तो लगता है कि जैसे तुम पैदा ही बने हुए बालों के साथ। नहीं नहीं, हम सारे आपकी तरह खुश किस्मत नहीं है। मैं टाइम से आ जाती थी लेकिन ये बीच में भी गायब होता था कि कहाँ हो जी बाल बना रहे। 10 बजे कॉल टाइम है ना। अब्दुल्ला सबसे लेट कौन आया सेट पे आज? जन्नत मिर्जा। अच्छा आज, हाँ वो आज। आज अच्छा, मैं इसके बारे में वैसे ही कुछ नहीं सुनती। अगर 10 बजे कॉल टाइम है और 10 बजे मैडम तैयार होना शुरू होती है तो कुछ 4 बजे तक हम बैठते थे वहाँ पे खा पी के सो के लाहौर घूम के वापस शेरगढ़ जाते थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो नेचुरल बॉर्न बाल भी हो रही है, बाल भी डाई हो रहे, क्या करती है?
नहीं उधर मत देखो, मैं अभी उनसे फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं से मैं लूंगी, आप अपने पहले दोनों कहानी सुना दें। नहीं मैं तो कोशिश करती थी कि टाइम पे प्रॉपर 7 बजे उठती थी, तैयार हो जाना, बस वो फिर कुछ ऐसा होता था कि लेट हो जाती थी अक्सर, हमेशा नहीं अक्सर, लेकिन ये तो ये कोशिश करती थी पर अक्सर कोशिश में नाकामयाब होती थी। आपके बालों का क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या कहा? अच्छा सारी मेरे खिलाफ हो रही है, नाकाम होती थी, नाकाम नाकामयाब जो है ना हमारे यहाँ कोई लफ्ज नहीं, नाकाम हो जाती थी कोशिश। इन दोनों बच्चों को कैसे आपने सांभा सर? मुझे लग रहा है आप बेबी सिटिंग भी कर रहे थे। ना दोनों टैलेंटेड थे बहुत माशाल्लाह। देखें फीमेल आर्टिस्ट को आपको मार्जिन देना पड़ता है, उसने सुबह उठ के मेकअप भी करना होता है, बाल भी बनाने होते हैं। मेल सुन रहे हैं? कोई सुन रहा है? खुदा का वास्ते मुझे मुंह धुला के बिठा देते हो शो पे, ये देना पड़ता है। मेल का ये होता है उसने मुंह धोया, बाल बनाए, वो कपड़े पहन के आ गया, लेकिन लड़की के लिए तो वो इसके पास मार्जिन था। आपने ये बात की, अब्दुल्ला ने ऐसे करके ना बालों को ऐसे किया कि हमारे भी बाल नहीं। ये माशाल्लाह ये आगे जितने दिन है उतने दिन एंजॉय कर लो। ये आगे सर आपको पता है हमारे हीरोज तो ऐसे वाकई रहे हैं जैसे दोस्त साहब ने कहा, हमने इंडिया के हीरो देखे हैं वो मेकअप में होते हैं, लिपस्टिक भी लगाते हैं। सर बहुत ही अजीब बेहंगम सी हरकत होती है। मैं आपने कभी लगाई लिपस्टिक? मैं चैपस्टिक लगाते था, मुझसे वो भी छीन ली थी इन्होंने। बाज जगह इसके माशाल्लाह वो जो कलर था लिप्स का इतना वो पिंक पिंक आता था, तो मैं कहा ये तुमने लिपस्टिक लगाई हुई है? कहता नहीं जी मैंने लगाई, मैंने तो ये चैपस्टिक लगाई है। मैंने तो सर आप रेगमार लेके एक दफा मार दीजिए, हो जाना था, शूट से लाल लाल हो जाते हो। वो भी किया हुआ है गाने के शूट से पहले टिश्यू लेके बकायदा मल के मैं चेक किया। बेटा रेगमार सैंड पेपर होता है मिस्टर अंग्रेज, बेटा खून निकल आता है बर्बाद, उसके बाद ये आखिरी फिल्म होनी थी। अच्छा तो इन बातों पे आप लोगों का फड्डा टाइमिंग पे फड्डा होता था? नहीं वैसे भी छोटी मोटी बातों पे होता रहता था। हाँ मतलब हम लोग अक्सर रात को लूडो खेलते थे, तब हमारी लड़ाई होती थी या इस तरह की छोटी मोटी होती थी, इतनी खास नहीं। वो वहाँ सेट पे जाते हम लोग नॉर्मल हो जाते थे कि बस यहाँ तक ही। कभी इस बात पे लड़ाई नहीं हुई कि ज्यादा प्यारा कौन है? नहीं वो चले छोड़, वो तो आपको पता ही है कि आपने यही कहना होगा ना, यही कहना होगा तुमने, टिपिकल लड़कों वाला जवाब। ओके तो जब ये चीजें किस तरह हैंडल करते हैं सर, जब इतनी बड़ी कास्ट होती है, जब माशाल्लाह इतनी बड़ी कास्ट हो तो फिर ये सारे मामलात कैसे हैंडल होते हैं? ये आपकी एक्सपर्टी होती है लोग इसीलिए तो छोटी कास्ट रखते हैं। नहीं नहीं देखिये आपकी जो कहानी में जो किरदार है वो तो रखते हैं, वरना कहानी खराब हो जाएगी। लेकिन ये एक्सपर्टी होती है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, पहले किसको बुलाना है, बाद में किसको बुलाना है, दोनों वक्त भी ज़ाया ना हो और काम भी हो जाए। तो अब ये बैठे हुए हैं क्वेश्चन साहब, अंदाज़ा लगाइए, हम वहाँ फार्म हाउस पे रहते थे, हम रेडी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, हम कैमरा रख रहे हैं, शॉट रेडी हो गया, तो उधर से क्वेश्चन साहब की गाड़ी लाहौर से एंटर हो रही है। ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है, ये पुराने आर्टिस्टों की पंक्चुअलिटी जो है ये इस तरह हुआ है। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है, मेकर पे भी डिपेंड करता है कि वो अपनी कास्ट को कैसे कंफर्ट लेवल कैसे देता है, कैसे उसको समझाता है। मैं तो रिक्वेस्ट भी कर लेता था यार प्लीज़ कल तो जल्दी आ जाइएगा, थोड़ा सा अब फिल्म से हटके ये जरूर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप तो लिटरली एक लिविंग लेजेंड हैं और बड़े अरसे से आपको लिविंग लेजेंड का टाइटल मिला हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको अगर 10 बजे का कॉल टाइम दिया तो आप 10 बजे आएँ, आप रात के 2 बजे भी आएंगे तो हाजिर जनाब वाला सारा सेट पे। सीधी बात है सर, देखिए जो इतने बड़े स्टार्स को तो ये लग्जरी मिलती है, लेकिन आपने कभी ये लग्जरी अवेल नहीं की। या आपने सही कहा कि जो आर्टिस्ट लेट आता है वो समझता है कि मैं बड़ा हूँ, जी ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं बुनियादी तौर पर रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक रहा है और ब्रॉडकास्टिंग में आप जानती हैं कि टाइमिंग की बड़ी सेकंड टू सेकंड होता है, वो आदत पड़ी हुई थी। जब मेरी पहली फिल्म के लिए मैं आया था लाखों में एक, तो मुझे लाया गया था, मैं तो करना नहीं चाहता था, वो अलहदा स्टोरी है। तो मुझे टाइम दिया गया कि जी 10 बजे से 6 बजे तक शिफ्ट, मैं जनाब 9:30 बजे एवेन्यू स्टूडियो में पहुंच गया, कोई नहीं था, वो
झाड़ू दे रहे थे फ्लोर में, न डायरेक्टर था न कैमरा मैन था न स्टाफ था। अरे मैंने कहा मैं कहाँ आ गया, बैठ गया, इंतज़ार किया, आहिस्ता 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 सब फिर आते गए। तो लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी अगर 10 बजे की शिफ्ट है तो 12 एक बजे आऊँ। तो हमारे एक हीरो गुजरे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा हीरो है, टैलेंटेड हीरो है, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी फिल्में की उसने, इंडस्ट्री को तबाह उसने किया। टाइमिंग 10 बजे की होती थी, 4 बजे वो 4 बजे आता था। प्रोड्यूसर बिल्कुल गर्क हो गया था क्योंकि शिफ्ट जो पड़ती है। तो लेकिन हम थे, हमारे साथ नदीम साहब हैं, गुलाम उद्दीन हैं, जावेद शेख हैं, और हमारे ऐसे जो हीरो थे वो बिल्कुल सही था। राही साहब, सुल्तान राही ने फिल्में बहुत होती थी ना, पांच पांच चार चार फिल्मों की शूटिंगें डे नाइट हम करते थे और सब प्रोड्यूसर्स को एडजस्ट करना होता था। तो फिर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक की भी शिफ्ट रख ली थी, उसको कहते थे हम टेडी शिफ्ट। हाँ जी, मैंने सुना टेडी शिफ्ट का। तो टेडी शिफ्ट, अलबत्ता उसमें राही साहब पहले पहुंच जाते थे, वो तो सोते ही नहीं था ना, मैं ज़रा लेट, लेकिन काम पूरा हम कर जाते थे। सर वो जो कहते हैं ना रोज़ी रोटी को हलाल करना, हम लोग एक्चुअली जब ग्लैमर और स्टार बन जाते हैं ना तो वो इन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं। लेकिन क्या ये जो हम अब फिल्म इंशाल्लाह अब रिलीज़ होने को है, क्या ये फिल्म हमारी इंडस्ट्री का रियल रिवाइवल करेगी? देखिए फिल्में बहुत सी निकल रही हैं सर, लेकिन इतने इतने स्केल की, क्या ये फिल्म हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल करेगी? ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तेरे बाजरे दी राखी, क्या ये फिल्म हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रियल रिवाइवल लाएगी? व्यूअर्स, मैं बिल्कुल भी उन लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहती जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से अब काम कर रहे हैं, पिछले 6-8 साल से 2-3 फिल्में भी निकली और बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने फिल्में निकाली। लेकिन जो एक स्केल होता है ना फिल्म का, वो जो एक जब आप बैठते हो तो आपको लगता है कि जैसे यू नो वो जो एक फीलिंग होती है सिनेमा में बैठने की, वो कुछ अभी तक मिसिंग है। सर आपसे ये सवाल, ये मैंने सबसे सवाल पूछना है, ये साबित करेगी फिल्म रिवाइवल जो होगी ना फिल्म इंडस्ट्री की, ये इंशाल्लाह फिल्म साबित कर देगी कि वाकई रिवाइवल होगी। बिल्कुल, और हमारी कोशिश भी यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं हाई लेवल पे भी रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल, बस ये होता है, एज ए वाइस चेयरमैन हमने काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई हैं, मिनिस्टर साहब से भी, इन लोगों से, सिनेमा के मतलब भी बातें हुई हैं कि सिनेमा बहुत कम बन रहे हैं पाकिस्तान में, नहीं है, हमें कुछ जगह दी जाए ताकि सिनेमा के भी इंडस्ट्री जो वो भी बहाल हो, और इंशाल्लाह ये काफ़ी फिल्में शुरू होंगी इस फिल्म की बेस पे, इंशाल्लाह। सर देखिए आप तो यू आर अ वर्किंग एक्टर सर, तो बीइंग समवन हु इज वर्किंग, बात हो रही थी लाहौर की मरकजी हैसियत के हवाले से। सर हाँ जी, वो हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, उस पर प्लीज़ बात कीजिए। हाँ जी हाँ जी, तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए जी सर, और मैं ये कहना चाहता हूँ तो बिलाशुबा लाहौर मरकज़ रहा है पार्टीशन से पहले भी और पार्टीशन के बाद भी, बल्कि इसको लॉलीवुड कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। बिल्कुल, हालांकि आज खैर इसमें न लॉली रही है न वुड रहा है, लॉली लॉली पॉप बन गई है, लॉली लॉली पॉप बन गई है, को दीमक खा गई है, लेकिन ये लोग हैं जो इसकी लॉली को बरकरार रखना चाहते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं ज्यादा फिल्में बनाते? तो बना रहे हैं ना, बना रहे हैं, इतनी नहीं आप बना रहे जिस तरह अच्छा, पहले बनाते थे। अच्छा दूसरी बात कि ये फिल्म जो है ना, मैं इसके लिए आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कहूँगा कि इस फिल्म को दुनिया के सिनेमाओं में रिलीज होना चाहिए, वो इसलिए कि दुनिया वाले देखें कि पाकिस्तान कितना सरसब्ज और शादाब है, इसमें जो कुछ दिखाया गया है सिनेमाटोग्राफी, दुनिया वाले ये देखें कि पाकिस्तान की एक औरत अपनी ही राखी नहीं बल्कि दूसरों की भी रखवाली कर सकती है,
ये हम फख्र के साथ ये बता सकते हैं, ये कह सकते हैं। इसमें जितनी एम्बेसीज हैं हमारी दुनिया में, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये फिल्म ऐसी बनी है और रिवाइव करेगी इंशाल्लाह, ज़रूर रिवाइव करेगी। अलबत्ता हमें सपोर्ट भी चाहिए, और फिर जितने इन्वेस्टर्स हैं मुल्क के, जितने सरमायदार हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, रियासत के चार सुतून होते हैं ना। जी सर। पार्लियामान, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया। बिल्कुल। लेकिन मैं कहूँगा, बरमला कहूँगा, इफ्तिखार के साथ कहूँगा कि पांचवा सुकून भी है, वो आर्ट एंड कल्चर है। बिल्कुल। और उस आर्ट एंड कल्चर में अहमियत फिल्म की है। अग्रीड। क्योंकि फिल्म पाकिस्तान की शनाख्त करवाती है, और सकाफतें जो हैं वो कौमें सकाफतों से पहचानी जाती हैं। तो हमारी फिल्मों में सकाफत है, ख़ासतौर पर इस फिल्म में भी देखेंगे कि पूरे गांव हैं, क्या खूबसूरत गांव है, और क्या सरसों के खेत हैं मीलों में। और सर, कितना दुख होता है कि जब हमारे पास हर किस्म की लोकेशन है, पहाड़ियां हमारे पास हैं, दरिया हमारे पास है, हमारे पास डेजर्ट्स हैं, हर चीज़ पाकिस्तान में, लोग बाहर भागते हैं फिल्में बनाने के सब लिए। हैं, आप भी हैं। सर मैं अगली फिल्म में दरख्त आपने नोट नहीं किया, मैं दरख्त बन के बैठी हूँ, मेरा किसी ने नोट ही नहीं किया कि सैयद नूर साहब फिल्म में दरख्त ही बना दे सर। बट मैं एक बात और, ये एक और बात बताएं कि ये वाहिद पंजाबी फिल्म है जो मैंने इस फिल्म का सब टाइटल भी किया इंग्लिश में, रिलीज करने के लिए बाहर यूरोप में। सर, यू आर अ रॉक स्टार, आई सैल्यूट यू। मेरे जैसे नलायक लोग जो थोड़े रह जाते हैं वो समझ लो, जो वर्ड मिस होगा वो अंग्रेजी में पकड़ लेंगे हम। अच्छा सर जी, क्या ये स्क्रीन का रिवाइवल है? चले इंडस्ट्री तो चल ही रही है, क्या ये सिल्वर स्क्रीन, जिसको हम बेचारी नन्नी सी स्क्रीन बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ये उसका रिवाइवल है? देखिए जुगन, मैं ख्यालों की दुनिया से हमेशा बाहर रहा हूँ। सच्चाई तो यही है कि एक फिल्म, कोई एक फिल्म रिवाइवल का बायस नहीं बन सकती। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी फिल्म जो है, ये पहला कदम साबित हो सकती है। देखिए, हर किसी को अपने अपने हिस्से की क्षमा जलानी होगी, फिर जाके रिवाइवल होगा। एक फिल्म से कैसे रिवाइवल होगा? लेकिन ये है कि लोग ये कहेंगे, यार ऐसी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी फिल्में बनेंगी तो रिवाइवल होगा, और फिर दूसरे लोगों को अपने अपने हिस्से की, जैसे मैंने कहा, क्षमा जला के तो एक रिवाइवल, एक रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। आप दोनों ने रिसेंटली जो फिल्में लग रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, हैव यू गॉन एंड सीन देम? देखिए, हॉलीवुड की फिल्म्स भी देखते होगे, बॉलीवुड की भी। क्या आपको लगता है कि आई लाइक द टर्म लॉलीवुड, आई लव लॉलीवुड, आई लव द टर्म, ये जो कहते हैं ना, अब हम इसको ये बुलाएंगे, अब हम उसको वो बुलाएंगे, लॉलीवुड इज ग्रेट, दे हैव हॉलीवुड, दे हैव बॉलीवुड, वी हैव लॉलीवुड, लॉलीवुड इज ग्रेट एंड इट साउंड्स ग्रेट आल्सो, चाहे वो लॉलीपॉप और दीमक वाली लकड़ी ही बन गई हो, लेकिन हमें तो बड़ा प्यार है भाई अपनी इंडस्ट्री से। सो जनत, स्केल में फ़र्क महसूस हुआ काम करते हुए? बहुत ज़्यादा। आपकी बात से मैं एग्री करूँगी कि जो पहली मूवीज़ आई हुई हैं वो अगर आप बाकी देखें तो लगता है कि कोई ड्रामा आप देख रहे हो किसी चैनल पे, वो चल रहा है, छोटा सा घर है, सेम कहानी है। बट इसको जब मैंने भी देखा है तो मैं बहुत खुश थी और सेटिस्फाइड थी कि यार ये बॉलीवुड के आपके लिए लेवल तक पहुँची है, बल्कि उससे भी बेहतर होगी। सर आपकी तो ऐसी ऐसी मूवीज़ हैं जो आई थिंक चूड़ियाँ थी जो चलती ही माशाल्लाह अरसा अजल तक चलती है, वो लगी और वो सिनेमाज में लगी ही रही। लोगों ने नई फिल्मों को लगाने से इनकार कर दिया कि ये नहीं हम उतार रहे, सो यू नो इसको भी नहीं उतारेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि फिर आप पॉज ले लें, नहीं अगली फिल्म के सेट पे आप नहीं, लाइन में लग जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे। व्हाट अबाउट यू? नहीं, did you feel the difference in scale? Look, you, आप तो बाहर भी पढ़े हो, आपने वो सारा कुछ experience भी किया, tell me. नहीं, I was actually very worried क्योंकि काफी सारी पाकिस्तानी फिल्में they do look like TV dramas on the big screen, और मुझे डर लगता था when you see this film, the grandeur with which this is shot, जो drone shots लिए हैं, जो lenses, शाहजी का एक angle में भी तीन lens अलग अलग लगाने हैं, जो जिस तरीके जो camera work है, cinematography है, I wouldn't say कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि देखें हमारा आर्किटेक्चर मुख्तलिफ है, हमारी कटिंग मुख्तलिफ है, हमारी फिल्म बनने का, मैंने खुद उतनी ज़्यादा, मैंने होमवर्क के तौर पे फिर बहुत पंजाबी फिल्में इनकी सारी देख ली थी,
But this is actually going to be really different. It is very grand. It is very pretty. It actually looks like something that does not deserve a small screen. It deserves a big screen. Okay. Now, finally, storyline. लेकिन ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. बात कर रहे हैं अपने लेजेंड्स के साथ और अपने डेब्यू आर्टिस्ट के साथ, जिन्होंने वैसे तो हर फोरम पे अपना आपको प्रूव कर ही दिया, बट अब फिल्म में क्या करने वाले हो बच्चों? हमारा मुंह काला ना कराना, हमारी नाक ना कटाना, क्योंकि हम तो कुछ नहीं करेंगे, घर वाले इतने छितर तो दोनों को मारेंगे, क्योंकि दोनों ने घर से बड़ी मुश्किल से इजाजत ली है. ओके सर, तेरे बाजरे दी राखी स्टोरी लाइन तो बताए ना. ये सबसे पहले तो ये बताए, आइडिया कैसे आया, क्या हुआ? आपकी हमेशा कोई बैक स्टोरी होती है किसी भी चीज़ को लिखने से पहले, मुझे शुरू से बताएं. जी हाँ, शुरू से मैं बताऊँगा. देखिए, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मेरी कोई भी कहानी मेरी पिछली कहानी से रिजेंबल ना करे. हमेशा नए से नए थाट्स जो हैं मैं लेकर. अब सायमा जी जो हैं बड़े अरसे से काम नहीं कर रही थी, उनको कोई कहानी पसंद नहीं आ रही थी. मैं अक्सर उनको सुनाता था, ये आइडिया कैसा है, नहीं नहीं बकवास है, ये आइडिया कैसा है, नहीं शाहजी ये ऐसे ही है. फिर मैंने एक आइडिया घड़ा कि एक लड़की जो अपने बिलवर्ड से मिलने के लिए जा रही है, और जब बिलवर्ड से मिलती है तो वो बिलवर्ड उसकी झोली में एक बच्चा डाल देता है. वो कहता है कि ये बच्चा या बच्ची, इसको मैंने बहुत सारे लोगों को कत्ल करके बचाया, अब ये तुम्हारे हवाले है, मैं जेल जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हें जेल से आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सब्र करना और इसको पालना. अब वो लड़की जो है वो एक बच्ची को जब पालती है, यहाँ हमने सिंबॉलिक दिया है तेरे बाजरे दी राखी. ओके. और यूँ वो पूरी सोसाइटी से, पूरे गांव से, गांव के लोगों से वो उस लड़की को बचाती है और उसके आगे ढाल बन जाती है. और औरत जस्टिफाई किस तरह करेगी कि मतलब ये बच्ची कहाँ से आई, क्या हुई? लोग तो यही सोचेंगे कि ये फिल्म में देखिएगा वो माँ उसके यही सवाल करती. अब था कि ये एंगल तो इतना सा है, तो दो घंटे की, ढाई घंटे की फिल्म में यही तो नहीं चला सकते. ढाई घंटे की फिल्म है, ऑलमोस्ट ढाई घंटे. गाने कितने हैं? गाने 6-7. सॉरी, बट ये अच्छा गाना नहीं देखा ना, दिल चाह रहा था. अब उसके लिए हमें बीच में और स्टोरीज भी लानी थी. इस तरह हमने कैरेक्टर्स बनाए, इसको क्रक्स बना के. जी, मुसाकई साहब का कैरेक्टर बनाया, इनकी एक फैमिली है जो अब्दुल्ला उसमें इन्वॉल्व है, आमिर कुरैशी उसमें इन्वॉल्व है, और जन्नत वो बच्ची है जिसकी राखी सायमा. वाओ. और इन दोनों की लड़ाइयाँ भी हैं आपस में, और इन दोनों की मोहब्बत भी है, ये दोनों इकट्ठे गाना भी गा रही हैं. मतलब एक जो कल्चर की खूबसूरती होती है, यानी आप ये देखो जुगन, मैं बताऊँ इनका पहला कंबाइंड शॉट क्या है, कि दोनों खेतों से मूलियाँ और शलजम तोड़ के ना खाते हुए आ रही हैं. मतलब ये कहाँ आपको दिखाई देता है फिल्मों में? जन्नत के टिकटॉक के कंटेंट में यहाँ पे नजर आता है ये कंटेंट. बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. और यहाँ पे मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी सायमा जी के बारे में. सर, अगर आप इजाज़त है, वैसे आपके सामने सायमा जी की मैं क्या बात कर सकती हूँ, लेकिन ये बात तो सायमा जी के बारे में फेमस है कि अगर कोई, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आंसू गिरना है, या आपने एक दफ़ा बात बताई थी कि वो आंसू गिर के पैर के ऊपर एक कतरा गिरना है, और आपने एक वर्ड कह दिया कि जी सायमा जी मैं दुखी हूँ, दुखी पे वो आंसू गिर के पैर, वो आंख से निकल के गिर जाना चाहिए, तो एग्जैक्ट उस मोमेंट पे वो आंसू निकलेगा और वो फेक नहीं लगेगा. वो मतलब वो उस लेवल की फिनोमिनल आर्टिस्ट हैं कि ना उनसे पहले कोई ऐसी आर्टिस्ट आई और ना ही इनके बाद मेरे ख्याल से कोई आएंगे.
नहीं so, पहले तो आई हैं उनको रद्द नहीं कर सकते। मैं अपना ओपिनियन दे रही हूं सर, मैं आपको नहीं कह रही कि आप ऐसे। इस दौर की वो इतनी पावरफुल एक्ट्रेस है, तो इन दोनों को जो आपने सामने कर दिया, इनको कर दिया उनके साथ, तो तुम्हारी जान नहीं निकली जन्नत? वो मुझे बहुत गाइड करती, मेरा तो उनके सामने समय तो उसको सलाम नहीं कर पाती, मैं बिल्कुल कच्ची हो जाती। वो तो इसका मेकअप करती थी, इसके बाल संवारती थी, इसका वो इतना बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी यहाँ ये कर लो तो ज़्यादा अच्छा आएगा जन्नत, तो मैं बिल्कुल उनके कहने पे करती थी एक्ट। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे जो आपने एक जोड़ी क्रिएट की, जिस तरह आपका और आपके बेटे का एक पेयर बनाया, बात ये कि जब आप लेजेंड्स को सामने खड़े कर देते हैं फ्रॉम न्यू कमर्स, इवन इफ वो काम कर चुके हैं, मुश्किल होता है, वो एक बड़ा प्रेशर का पॉइंट आ जाता है, बहुत प्रेशर का। और इस प्रेशर को तोड़ने के लिए हमने बेस्ट कॉमेडियंस अपनी फिल्म में लिए हैं। ये भी मतलब इफ्तिखार ठाकुर खिताब होते हैं। यू लुक एट जो कॉमेडी के इस वक्त सुपरस्टार किंग्स हैं, हाँ, मसलन इफ्तिखार ठाकुर हैं, आगा माजिद हैं, सलीम अलबेला हैं, शहरी नन्ना हैं, और इरफान खोसट हैं, और खुशबू हैं, तो उनकी एक उस गांव में एक कॉमेडी है जो आपको हंसाती है, जो आपको वो प्रेशर जो कायम होता है फिर स्क्रीन के ऊपर, वो प्रेशर जो है ना वो रिलीफ देते हैं आके वो कैरेक्टर्स। अच्छा, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रही हूँ, नाराज नहीं होना मेरे सीनियर्स ने प्लीज, बट ये जो आपस में जो यंगर जनरेशन में बात होती है, मैं अभी उसको टच करने वाली हूँ, तो मैं पहले से ही माजरत के साथ, अक्सर ये बात कही जाती है अब्दुल्ला कि पंजाबी पंजाबी तो बड़ी चीप है, ये जो एक यूथ की मैंटेलिटी है, इसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स क्या है? बिकॉज बाहर से पड़े हुए हो, फिर यहाँ पे आए हो, ये सारा कुछ किया, तो ये जो ओ माय गॉड सो चीप वाला जो एलिमेंट है, उस पर क्या कहना चाहोगे? I'd say it's not the right way to think. I mean, आपकी मदर टंग है आपको, मुझे खुद भी कोई बहुत अच्छी पंजाबी नहीं आती थी, बड़ी मेहनत की सीखा, लेकिन पीपल जो कहते हैं ओह माय गॉड सो चीप, मैं तो अंग्रेजी में बात करूंगा और बाहर जाते हैं तो सुनते ही सिर्फ पंजाबी, क्लब्स में भी पंजाबी म्यूजिक चल रहा होता है, और सबसे ज्यादा हिट फिल्में जो बॉलीवुड के, जो हॉलीवुड की फिल्मों के अलावा वहां पे होती हैं, वो पंजाबी की अक्रॉस द बॉर्डर की फिल्में होती हैं, कभी ये आपने नोट किया सर? सो ये जो एक मेंटालिटी है ना हमारी कॉम्प्लेक्स वाली, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ये जो ब्रिटिश राज के बाद वो एक अंग्रेजी का हम सबको फतूर चढ़ा, उसके बाद चलो उर्दू में बात कर लेंगे लेकिन पंजाबी में नहीं कर सकते, भाई इतना बड़ा एक एरिया है जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है, पंजाब का ऑल पंजाबी स्पीकिंग, और जो उर्दू बोल सकता है उसको पंजाबी की समझ आ ही जाती है। ये वही लोग हैं जो इंडियन पंजाबी फिल्म को बड़े शौक से देखते हैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, वहाँ इनको ये समझ नहीं आती कि वो पंजाबी फिल्म देख रहे हैं, अपनी पंजाबी इनको बुरी लगती है, जबकि इंडियन ये कहते हैं कि आपकी पंजाबी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, और ये मैं भी यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि पंजाबी लैंग्वेज जो है ये मदर टंग है उर्दू की। बिल्कुल ठीक है, हाँ। उर्दू नहीं थी जब पंजाबी थी, बिल्कुल फारसी थी या पंजाबी थी, और जितने भी ये वली थे, जितने भी ये शायर थे बड़े, सब ने पंजाबी में शायरी की है। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान नहीं था लेकिन सूबे थे। बिल्कुल, सूबों की उम्र जो है वो हजारों साल है, बेशक पाकिस्तान की उम्र 72 साल है, तो गया सूबे पाकिस्तान सूबों पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता है। बिल्कुल। अच्छा, जब आपके साथ स्टोरी लाइन पूरी, जब आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी सर, आपका रिस्पांस क्या था? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा शायद इनकी ख्वाहिश पे तो बनाई है ये फिल्म, मैंने जस्ट इनको जिक्र किया कि जी इस तरह मैं कुछ सोचा है। अच्छा, बट आपने अभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई थी? नहीं, आइडिया था, आइडिया था, तो मैंने कहा जी मैंने कहा एक ये आइडिया है, एक ये, कहने नहीं अब मैंने कोई आइडिया नहीं सुनना, आपने यही बनानी। ये ख्वाहिशें जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे एक फिल्म बन जाए, ये हर ख्वाहिश पे एक फिल्म बन जाए तो क्या ही बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एज अ व्यूअर आपने मूवी की कुछ तो क्लिप्स और चीजें तो देखी होंगी अभी तक, आप लोग तो देख लेते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, टूंगे रहते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्स है मूवी को देख के एज अ व्यूअर, मैं जानना चाहूंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तेरे
बाज दे बाजरे दी रखी एक ते पंजाबी भी मैं सीखनी है इस फिल्म दे प्रीमियर ते आन तो पहले सर जी तुहानू आंदी है नहीं मुझे पंजाबी कम आती है पंजाबी मुझे ज्यादा आती है लेकिन ये एक और बात है इस पे हम डिस्कशन करेंगे मैं भी कुछ कॉम्प्लेक्स मां-बाप की औलाद हूं ना जिन्होंने बॉदर ही नहीं किया सिखाना खैर कुछ ना कुछ तो जरूर सेट पे हुआ होगा देखिए जब शूट हो रही होती है जब BTS वगैरह देख रहे हैं सारा कुछ देख रहे हैं तो अक्सर चीज़ें हो जाती हैं ऐसी मतलब जिस तरह आई रिमेंबर कि रिसेंटली एक फिल्म के सेट के ऊपर गलती से असल गोली लग गई एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट से किसी और को लगी थी हॉलीवुड का इंसिडेंट है फिक्र ना करो इधर नहीं हुआ उसको अपर अब्दुल्ला को अपने जान के वाविले पड़ जाते हैं कि मेरे साथ क्या होगा तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ कोई डिफरेंट चीज़ कि जब हमारे व्यूअर्स उस किस्म का सीन देख रहे हो तो कहें हैं यहाँ पर तो ये हुआ था जी सर देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं हुई लेकिन एक जो मुझे बड़ा दुख है एक इंसिडेंट का जो होना नहीं चाहिए था मेरे एक दोस्त हैं जमशेद नकवी साहब मरहूम उनका बेटा मेरे पास एक रिक्वेस्ट लेके आया कि मुझे फिल्म में काम दें तो इस फिल्म की बिगनिंग का जो हीरो है वो मैंने उसको ले लिया लेकिन पहले वो सीक्वेंस ये था कि वो घोड़े पे अपनी बिलेवर्ड को लेके भागता है और उसके पीछे जो है दुश्मन जो है वो उसको चेस कर रहे अब वो पहले शॉट में वो घोड़े की प्रैक्टिस ही कर रहा था तो घोड़े से गिर गया और उसका बाजू टूट गया तो मुझे फिर मजबूरन किसी दूसरे से क्योंकि वो लंबा प्रोसीजर था बाजू जुड़ता तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि ये जो फिल्म होती है ये ऐसे नहीं होती कि जी किसी का इंतज़ार नहीं करती इंतज़ार नहीं करती ये सच्चाई की तरह आपको पिक्चराइज कराना पड़ता है ये एक्टर की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो अपने चेहरे पे एक सच्चाई लेके आता है एंगर लेके आता है दुखी एक्सप्रेशन लेके आता है ये सब रियलिटी होती है तो वो रियलिटी में घोड़ा भगा रहा था गिर गया बेचारा अच्छा तो रियलिटी की अगर बात करें तो रियलिटी में कोई आप लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ा जो मुश्किल था करना होता ना कभी कभी किसी चोटी पे खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल इसकी एज पे खड़े होके अपने डायलॉग्स डिलीवर करो तो अगले का वो पंजाबी में कहते हैं ना तरा ही निकल जाता है सर आपका तो खैर किसी भी चीज़ से कुछ भी नहीं आपको डर लगता आपने तो ऐसे ऐसे सीन्स और सीक्वेंसेस किए हैं कि बंदा कहता है कि ये स्टंटमैन ने किए होंगे लेकिन किए सर ने थे इतना कुछ खास नहीं था लेकिन जो मेरा पहला सीन था ना उसमें मैंने एक काफ़ी हाइट से नूर अंकल वो क्या होता है जहाँ से मैंने जंप किया था वो जो प्राली होती है ना जो खेतों की जो गंदम कट जाती है तो उसका जो भूसा होता है उसके ढेर लगा देते हैं बड़े बड़े तो इसको उसके ऊपर से छलांग लगानी थी नीचे सायमा जी हैं ऊपर से ये गाने के दौरान तो से नीचे मैं समझ रहा था कि ये नहीं कर पाएगी तो फिर कौन करता नहीं वो एक स्टंट पर्सन बुला लेते हैं हम लेकिन वो पकड़ी जाते लेकिन इसने इतना अच्छा किया बहरहाल बहुत अच्छा किया पहला सीन था मेरा और मैंने उसमें मैंने कहा यार शुरू यहाँ से हो रहा है तो फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं होता और पता नहीं आगे फिर मेरे साथ क्या करेंगे ये नहीं नहीं वो बस वहाँ पे अच्छा हो गया शुक्र बहुत अच्छा है ऊपर छलांग लगानी गिरना व्हाट डू यू रिमेम्बर कोई ऐसा मुश्किल सीन कोई लड़कों को तो वैसे सबसे मुश्किल चीजें मिलती हैं लड़की चलो एक छाल मार दी ये कर लड़कों को घोड़ों पे लटका चोटियों से लटका देते हैं एक लत से लटका होता है लड़का बंदा कहता है यार जुगन ये भूल रहे हैं दोनों भूल रहे हैं ये एक सीन में बहुत मसाइल का शिकार थे कहता इधर जन्नत है इधर अब्दुल्ला है बीच में सायमा है और सायमा बोल रही है इनको डांट रही है और इनके जो एक्सप्रेशन थे आप ये मेरे जब भी कभी फिल्म देखो तो याद रखना रोती हुई जन्नत आपको कितनी खूबसूरत लगेगी जब वो डांट रही है और इसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू गिर रहे हैं बहुत प्यारी लगी है लगता है कि ये सचमुच और यही हाल अब्दुल्ला का था अब्दुल्ला को ज़्यादा वो टेंस सिचुएशन थी कि इसका रिश्ता भी है खुद ही पूछती हो खुद ही अब मुझे सारी फिल्म की समझ आ जाएगी फिर मैं क्या करूँगी जाके फिर मेरे लिए मसला बन जाएगा और आपको पता है मैं बड़े सेंटिमेंटल होके मूवी जाके देखती हूँ और व्यूअर्स बाय द वे मैंने आपको भी कहना है कि प्लीज़ मूवी जाके देखिएगा इस चीज़ का ना वेट किए करना कि वो आएगी तो कहीं कहीं ऑनलाइन चोरी चोरी करके देख लेंगे अपने वो कंप्यूटर्स पे और टैब्स वगैरह पे प्लीज़ बिकॉज मूवी एक्चुअली देखने का मज़ा आता है
ऑन द बिग स्क्रीन, वो तो कह रही हूं उस पे तो वो एनी जी स्क्रीन नहीं तक की एनी जी स्क्रीन नहीं देते, नेटफ्लिक्स भी नहीं लेके जाते हैं और दूफ्लिक्स देखे जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग डेडिकेट करना है हमने कुरैशी साहब को। जी आपकी डेडिकेशन रायगा नहीं जाएगी। और अभी हमने ऑफ कोर्स शाह साहब के लिए भी एक लेनी है डेडिकेशन, लेकिन उससे पहले
म्यूजिक की जब बात हो रही है, एक्चुअली म्यूजिक का एलिमेंट भी हमने इसलिए अभी ऐड किया कि म्यूजिक की अगर हम बात करें तो कुछ हमें आपने बताया कि 6 सॉन्ग्स हैं, कुछ बताएंगे उनके बारे में? जुगन, फिल्म चाहे पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की, बरसगीर में जहाँ जहाँ फिल्म बनती है वहाँ मेन एलिमेंट जो फिल्म में होता है वो म्यूज़िक होता है। और पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, 10-10, 12-12 गाने होते थे, अभी ज़रा कम हो गए। लेकिन फिल्म में अगर म्यूज़िक नहीं है, गाने नहीं हैं, सिचुएशन नहीं है, रोमांस नहीं है, वो सुर जो आपके दिल को छुएं वो नहीं है, तो फिल्म जो है वो आधी रह जाती है। फिल्म की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है म्यूज़िक। तो इसलिए आप देखें कि मेरी, मैंने कोशिश किया है हमेशा, जितनी भी मेरी पंजाबी फिल्म है सब के सब म्यूज़िक उनका बहुत अच्छा रहा है। और इस फिल्म का भी सुपर हिट म्यूजिक आज भी लोग चूड़ियां के तो गाने भी शादियों पे लोग चलाते हैं, चूड़ियां, मजाजन, मेहंदी वाले हाथ, सबके सबके, इवन अभी जो गा रहे थे वोटी रह के जानी है, उसका उसका जो तो वो तो कुरैश साहब पे पिक्चराइज हुआ हुआ है। जी हाँ, कुरैश साहब पे और शान साहब पे। तो ये बैकबोन होती है म्यूजिक जो है, वो बैकबोन होती है किसी फिल्म की। तो इसीलिए ये जो तेरे बाजरे दी राखी का म्यूजिक है बहुत मेहनत से बनाया गया है, बड़े अच्छे सॉन्ग्स हैं और यंगस्टर्स के हवाले से भी बनाया गया है, जो यंगस्टर्स जो बीट चाहते हैं कि यहाँ फास्ट बीट हो तो वो भी इन दोनों पे उस बीट वाले भी गाने हैं। और वो गाने भी हैं जिनकी लय और सुर जो है वो मिठास में होते हैं। अच्छा सर, तेरे बाजरे दी राखी या रखी? राखी, 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 राखी पंजाब च रहने वाले हो, राखी कहने में जबान सीधी कर रही हूँ। मैं आपको सीधा करूंगा, आप देखना ये शो के बाद, आपको राखी का मतलब नहीं पता। राखी सर, आपने कब मुझे राखी बांधी है जो मैं ये बात समझ सकूं? नहीं, वो राखी नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, इसीलिए कंफ्यूज हो रही थी। राखी कहते हैं राखा से निकला है, प्रोटेक्टर। हाँ, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, हाँ, संभालने वाला और उसका देखभाल करने वाला, उसको गर्म हवा भी ना छुए, रखवाला, रखवाला। बट वही तो बात है ना, इतना डीप किसी नाम को क्रिएट करना, मतलब आप तो नाम पे इतना टाइम देते हैं, तो आप स्क्रिप्ट पे कितना टाइम देते होंगे? बहुत ज़्यादा, पूरी फिल्म बन जाती है और मैं लिख रहा होता हूँ। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ आपको, ये एक फोक है जो ऑलमोस्ट 100 साल पहले से चला आ रहा है, तेरे बाजरे दी राखी माइया मैना बहंदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या है कि मैं तुम्हारे बाजरे का जो खेत है, मैं उसकी राखी नहीं बन सकती, मैं उसकी रखवाली नहीं बन सकती। लेकिन उस थॉट को मैंने जो लिया है उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि तेरे बाजरे दी राखी माइया मैता बैठी वे, कि मैं बैठी हूँ तुम्हारे, जो तुम मेरे हवाले एक अमानत कर गए थे उसकी राखी बन के मैं बैठी हूँ। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। और एक जो मेंटल इमेज भी आती है एक माँ की, एंड यू नो माँ और माँ सी में बड़ा फर्क होता है, लेकिन इस फिल्म में प्रूव किया है कि नहीं होता। जी हाँ, जिसने नहीं फर्क करना होता वो नहीं करता। ये पूछती है कि तुम्हारे तो तुम्हारे अंदर मुझे इतने रिश्ते नजर आते हैं, तुम्हारा मेरा रिश्ता है क्या? है क्या? है ना वो सीन? जी बिल्कुल। अच्छा, फेवरेट लाइन? हाँ, यही फेवरेट लाइन फिल्म की, नहीं यो उसको वो बता देते ना। सॉरी, अभी तक क्या फेवरेट लाइन? यही है, बोलो। यही है, बोलो, एक बार बोल के दिखाओ ना। ये कैमरा सेट करूं, वो माहौल बनाऊं, वो किरदार बनो, फिर देखें आप एक्टर हैं। मुझे पता है ये सवाल बड़ा मैंने स्टूपिड किया है। हाँ, नहीं करना चाहिए। माय अपोलॉजीज जनरल। नहीं नहीं, मैंने कहा वो होता है कि कभी-कभी कुछ लाइंस ऐसी होती जो अड़ जाती है। नहीं, आई एम हैप्पी टू एडमिट when I do something wrong, and मतलब ये ज्यादती है। जब आप किसी भी आर्टिस्ट से कहते हो कि वो वाली लाइन बोल के दिखाएं, तो अगला कहता है मतलब हम 24 घंटे को टीवी तो नहीं है जिसको ऑन करके आप रख दो। नहीं नहीं, इसमें और बात है जुगन, ये देखें एटमॉस्फेयर, ये माहौल होता है। जब जब माहौल होता है, जब आप उस कॉस्ट्यूम में आते हैं जो उस किरदार का कॉस्ट्यूम है, तो आप अपनी असलियत को छोड़ देते हैं। फिर आप जब आते हैं उस घर में आते हैं जो आपका घर नहीं है, फिर आपके सामने वो किरदार हैं जो आपके रिश्ते नाते वाले हैं, तो खुद ब खुद एक माहौल बन जाता है और वो परफॉर्म करने को। बट ये तो पूछ सकती हूँ कि अभी तक फेवरेट लाइन क्या थी? जैसे कि आपने ये वाली, आपका फेवरेट यही वाला डायलॉग था जहाँ पे आपने कहा कि भाई हु आर यू एट द एंड ऑफ द डे, यू आर एवरीवन बट यू आर नो वन, हु आर यू? आपकी कोई फेवरेट? ऑनेस्टली साइमन मैम एक इंटरवल में मुझसे पूछती हैं, मुझे प्यार से मक्खन कहती हैं, तो वो कहती हैं कि मुझसे गुनाह की पहचान, मुझे कहते हैं गुनाह दी पहचान दस मखना। वो बहुत इम्पैक्ट, जब आप देखेंगे यू रियलाइज के बहुत इम्पैक्टफुल डायलॉग।
वाओ ओके सो दैट्स योर फिल्म. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आप लोग जब फिल्म देखने के लिए जाएंगे सिनेमा में तो ये मोमेंट्स आप लोगों ने व्यूअर्स याद रखनी है. ये शो करने का रीज़न ही है कि छोटे छोटे हम आपको टीजर्स दें ताकि जब आप देखें तो आपको एक्चुअली लगे कि आपकी फिल्म के साथ एक पर्सनल एसोसिएशन है. आपकी कोई ऐसी फेवरेट डायलॉग या कोई ऐसा फेवरेट लम्हा इसी फिल्म का? तो हर डायलॉग फेवरेट था. अच्छा कोई ऐसा सीन जहाँ पे आपको लगा हो कि आपके बेटे के साथ आपका सीन हो रहा है और वो आप पे हावी हो रहा है, कुछ इस टाइप का भी तो हुआ होगा? हाँ हावी तो है. वो है, वो डिसाइडेड है. एक जगह वो बेटा आता है और उसकी माँ जो है उसकी उसके साथ मेरी बनती नहीं है, तो अपनी माँ की फेवर करते हुए कहता है कि ए मेरा रब भी है मेरा माँ के. तो मैं हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये ए तेरा रब्बे मैं किया, कि फिर मैं किया. बड़ा अच्छा कहा आपने. अच्छा मैं हम कितने आसानी से एक दूसरे को, वो जो कहते हैं ना अपने रिलेशनशिप्स में किसी को कहते हैं कि ये मेरा ये है ये मेरा वो है और ये भूल जाते हैं जो ओरिजिनली होता है उसके ऊपर, उस बात पे कि क्या गुजरती होगी जब हम एक रिश्ते को हटा के बड़े आराम से किसी और को वो चीज़ बना देते हैं. और ये बड़ी एक सोचने वाली बात भी है, इसी एक लाइन में एक मैसेज भी है हमारे व्यूअर्स के लिए. जी सर, कोई ऐसी चीज़ फिल्म की स्पेशल जो आपको बहुत आपके दिल को लगी हो? मुझे इनके जो आपस में थी ना टसल, वो मुझे बड़ी अपील की. हाँ जी, बाप बेटी की. और एक जगह पे ये पूछते हैं कि यार इतने पैसे तू ले जाता है कहाँ कहाँ खर्च करता है, तो आगे से वो बड़ा टाउंटिंग वे में कहता है फिर मैं हिसाब दूँ. और हर इंसान को अपनी औलाद याद आ जाती है. और ये हर घर की कहानी है. उस सीन पे ये खामोश हो जाते हैं, कहते ठीक है यार. एक बल्कि वाकया मैं बयान कर दूँ. गन है उसके हाथ में और मैंने उसकी गन को रोकना पकड़ लिया है. अब बाप बेटे की स्ट्रगल है गन के छीनने में मेरी. अब वो 6'2" का टॉल है मेरा बेटा, माशाल्लाह. और ज़ाहिर है यंग है, मुझसे ज़्यादा ताकतवर है. लेकिन हालांकि हम जब इस किस्म के सीन या फाइट वगैरह करते हैं ना तो ताकत नहीं लगाते, लेकिन एक्सप्रेशंस देते हैं कि जैसे पूरा जोर लग रहा है, लेकिन उसमें वो ताकत लगा रहा था. सही बात है. वो अब मुझे भी फिर ताकत लगानी पड़ी. हाँ, मैं सदके जाऊँ. तो अब वो जो गन वो ऐसे फिर वो फायर होता है, वो फिर किसको लगता है वो फिर. नहीं वो डायलॉग बड़ा अच्छा था, वो डायलॉग याद है? हाँ वो डायलॉग के औलाद जब बाप पे बंदूक उठा ले तो क्या? नहीं ऐसी बुराई है दौलत ज़्यादा दौलत होनते कि औलाद प्यूते बंदूक तान ले बंदूक उठा ले, कुछ ऐसा डायलॉग. और ये भी बाय द वे सर हर, लेकिन उसके बाद मैं बताता हूँ. जब इतनी स्ट्रगल इतनी ताकत लगी, अब जाहिर है मैं ओल्ड हूँ, ओल्ड सिर्फ अभी. वैसे आपने शुरू में प्रोग्राम के सर 2 घंटे पहले गए मुझे कहा था कि मैं अभी भी जवान हूँ. मैं कैरेक्टर करेक्ट मैं फिल्म कैरेक्टर में भी ओल्ड हूँ, वैसे भी हूँ, वैसे भी सच्चाई है, ये सच्चाई है. जाहिर है उम्र है. और यकीन कीजिए कि जो हम फिल्म के आर्टिस्ट हैं ना वो उम्र छुपा नहीं सकते. वो लोग हिसाब लगाते हैं कि पहली फिल्म किस सन में बनी थी, बाबरा शरीफ हो या अंजुमन हो या जो भी कोई भी ये हो, जेबा हो या कौन कौन हो. पहली फिल्म जेबा की जनाब चिराग जलता रहा, उसमें वो कितने साल की थी, 20 साल की. सर ना करें ना, सर ना करें ना, क्यों सबका सबके आप बोल खोल रहे हैं. वो चिराग नहीं, नहीं ये तो आवाम के सामने है ना, ये तो आईना है ना, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है. और वो जनाब चिराग जलता रहा बनी थी 1956 में के 7 में. अब वहाँ से लेकर 70 वो गिनना शुरू हो. सर मैं ब्रेक में जा रही हूँ, सर मुझे ब्रेक में जाना पड़ेगा, मेरे दिमाग के पता तो वो मैं उसको ख़त्म करता हूँ. जी बात कि जब इतनी ताकत तो अब डायरेक्टर साहब को लगी हुई थी कि अब इसके आगे सीन करेंगे. हाँ जी दूसरा शॉट. ओ मैं क्या यार, मुझे सांस तो लेने दो, मेरी सांस. सर आप अच्छा नहीं करते लोगों के साथ, ये मुझे सीधा करेंगे ब्रेक के बाद.
और मैं इनको सीधा करूंगी जिंदगी में कभी नहीं, क्योंकि मेरी जरूरत नहीं होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। व्हाट अ फिनोमिनल कॉन्वर्सेशन, मतलब गुफ्तगू करने का भी मौका मिला, हमने इतनी क्लिप्स देखी, आपने बिहाइंड द सीन्स भी देखा, आपने मेकिंग देखी, आपने वो प्रोमो तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप प्रोमो देखना छोड़ दें, अब जाके मूवी को आपने देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। और मैं आपसे शो के क्लोजिंग में, ऑफ कोर्स जैसे कि हमने वादा किया था कि एहसन अब्बास एक सॉन्ग डेडिकेट करेंगे शो को क्लोज करते हुए नूर साहब को, लेकिन उससे पहले तेरे बाजरे दी राखी, 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 तेरे बाजरे दी राखी, रॉकी, रॉकी, इस रॉकी को आपने देखना है। सर, एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे एज अ प्रोड्यूसर जिसने बड़े पैसे खर्च किए? ठीक है जी, हमने तो पूरी मेहनत के साथ फिल्म बनाई है और इंशाल्लाह ये अवाम ही फैसला करेगी कि कैसी अच्छी फिल्म है। मेरी ख्वाहिश है कि अवाम आए और अपना फैसला सुनाएं। यही बात मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी हर चीज़ को प्रेफर करें, पाकिस्तानी फिल्म देखकर उसको प्रमोट करें, और हुकूमत वक्त से मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्रीज़ को, सिनेमा ओनर्स को इंसेंटिव्स दें। मुझे भी थोड़े पैसे दे दें। अच्छा नूर साहब, आपसे एंड में बात करेंगे ना, क्योंकि तुमसे अब्दुल्ला आखिर में बात की थी, तो आज सेंटर में तुमसे बात क्लोज करेंगे। इट्स एक्चुअली वेरी गुड फिल्म, सब लोगों ने बहुत मेहनत की और कोविड की वजह से भी जो हमारे 1.5-2 साल खींचे हैं, आई वुड रियली नहीं, पंजाबी में कहो लोगों को, मैं कहूँगा कि तुसी सारे आके तेरे बाजरे दी राखी जरूर देखो, बड़ी मेहनत कीती है, शाह जी ने बड़ा चंगा कम कीता है, मेरी भी पंजाबी ठीक करती है, वो राखी कहंदे ने मैं राखी कहना, मेनू आंदा है राखी तेरे बाजरे दी राखी, सारे जरूर। हां नाइस सर, चांस देंगे दरख्त बनने का फिल्म में। व्हाट अबाउट यू जनाब? मैं यही कहूंगी कि हम सब ने बहुत एफर्ट किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, आप सबको बहुत पसंद आएगी, तो जरूर ईद पे आके हमारी फिल्म देखिए, आपको होपफुली बहुत। तो पंजाबी, आप भी एक लाइन तो पंजाबी में बोल दो, जरूर आके देखियो, इसकी बड़ी प्यारी है पंजाबी, बेशकरे जाओ, बहुत प्यारी है ये, अंग्रेजी वाली पंजाबी बोलती है, इंग्लिश पंजाबी। हाँ जी सर, एक दुश्मन पैदा हो चुका है हमारी इंडस्ट्री के हवाले से। पहले होता था कि जब फिल्म रिलीज होती थी तो उसके एक हफ्ते के बाद रिव्यूज आते थे, फिल्म अच्छी है या बुरी है या क्या है, तो लोग तायुन करते थे। अभी फिल्म लगती नहीं है और सोशल मीडिया पे इस कदर बुराइयां शुरू हो जाती हैं, ये बुराई है, ये ख़राब है, ये देखें इसका मुंह देखें, इसका डायलॉग देखें, ये बहुत बुरी है, खबरदार किसी ने देखी खबर। अरे भाई, जब तक आप लोग हाँ ये जब तक आप लोग आके देखेंगे नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं किसी फिल्म के बारे में? तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आए एक बार देखें, बुराई करें आप जितनी मर्जी करें, लेकिन देखने के बाद। ये बहुत ही अच्छी बात सर ने कही, और इसी नोट पे मैं कहूँगी व्यूअर्स फिल्म ज़रूर जाके देखिएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, और मैं अक्सर यहाँ पे कहती हूँ फिल्म ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म है तो उसको हमें प्रमोट करना है, और मतलब इंसान को पता होता है कि फिल्म जो है शायद उस लेवल की और उस पार की नहीं है, लेकिन ये एक देखिए जहाँ पे सैयद नूर का नाम आ जाता है, जहाँ पे कुरैश साहब का नाम आ जाता है, जहाँ पे आप जैसे लेवल का प्रोड्यूसर आ जाता है, डेब्यू भी अगर हो रहा है तो देखेंगे कितने बड़े स्टार्स का इन देयर ओन राइट हो रहा है। आई मीन जन्नत, आपको अब्दुल्ला, पीपल नो यू, इट्स नॉट लाइक यू आर अननोन पीपल। पहले तो फिल्म जब बनती थी तो बिल्कुल ही अननोन, जब न्यू फेस लेते थे तो वो बिल्कुल ही न्यू फेस होता था, किसी ने देखा तक नहीं होता था उस चेहरे को, तो वर्ल्ड हैज चेंज्ड। और जब इतनी बड़ी, एंड देन ऑफकोर्स साहिमा जी, क्या कह सकते हैं हम साहिमा नूर के बारे में, व्हाट अ वुमन, व्हाट अ सुपर स्टार, और इतने अरसे बाद हम उन्हें एक फीचर फिल्म में इस स्केल पे देख रहे हैं, एंड ऑल स्टार कास्ट, एक एक बंदा सोच समझ के सेलेक्ट किया, ये नहीं कि बस कोई कॉमेडियन लेना है तो कोई भी पा दो, इफ्तिखार ठाकुर अगर हैं तो किसी रीज़न की वजह से हैं, उनको इनविजन किया गया है, और जो भी सैयद नूर को जानता है वो ये जानता है कि वो कभी भी कोई भी चीज़ अगर एक इस तरह करके किसी ने फ़ोन उठा के भी रखा है ना, तो उस जेस्चर के पीछे एक पूरी, वो जो हम कहते हैं ना उर्दू अंग्रेज़ी में, साइंस है,
तो उस सेंस को नोट कीजिएगा, और आई प्रॉमिस यू एक दफा फिल्म देखेंगे आप उसमें 10 चीजें नोट करेंगे, अगली दफा फिर उसी फिल्म को जाके देखेंगे 15 और चीजें नोट करेंगे. आपकी फिल्म आर लाइक अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर, जब भी उसको पढ़ते हैं या और इस केस में देखते हैं तो कुछ नया ही उसमें से सामने आता है. ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग ऑसम सिनेमा. थैंक यू सर, ऑनर एंड अ प्लेजर आप दोनों से मुलाकात. तुम दोनों तो अपने ही बच्चे हो क्या. अच्छा, और अब गाना डेडिकेट करते करते हम अपने शो को क्लोज करेंगे. ओवर टू यू. ऐसे नजारा जदों दी तस्वीर दा हाय करम नजारा जदों दी तस्वीर दा पेंदा है पुले का मैनू सोनी ससीर दा करम नजारा जदों दी तस्वीर दा ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸਸੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਚੰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਪਿਆ ਵਗਦਾ ਚੰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਪਿਆ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਗੀਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਤੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ